अयोध्या में चलेगा क्रूज और हाउस बोट, श्रद्धालु सरयू में कर सकेंगे नाइट स्टे। दिसंबर से जनवरी 2024 के बीच भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले यहां सरयू पर वाराणसी की तरह क्रूज और हाउस बोट सर्विस शुरू कर दी जाएगी। पहला क्रूज अक्टूबर जबकि दो क्रूज और हाउस बोट जनवरी तक शुरू हो जाएंगे और सरयू में उतार दिए जाएंगे। क्रूज में सरयू की सैर के अलावा हाउस बोट में नाइट स्टे की फैसिलिटी भी होगी। अयोध्या नगर निगम का दो कंपनियों के साथ MOU साइन हुआ है। पर्यटन विभाग का मानना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। ऐसे में क्रूज सर्विस को सपोर्ट करेगी। दुबई में क्रूज चलाने वाली कंपनी ने अयोध्या नगर निगम के साथ MOU साइन किया है। इसमें 18 करोड़ की लागत से दो क्रूज और दो हाउस बोट सरयू में नया घाट से गुप्तार घाट के बीच चलाई जाएगी। अयोध्या क्रूज लाइन्स के डायरेक्टर मनोज अरोरा ने बताया कि दोनों क्रूज का नाम पुष्पक विमान जबकि हाउस बोट का नाम कनक महल रखा है। क्रूज यानी पुष्पक विमान का निर्माण दुबई में हो रहा है जबकि हाउस बोट यानी कनक महल का कोच्चि में शुरू हो गया है। मनोज अरोरा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अयोध्या में पर्यटकों को यह सुविधा दिसंबर से मिलना शुरू हो जाए। हाउस बोट में 8 से 12 कमरे होंगे, 20 से 25 यात्रियों की कैपेसिटी होगी। इसमें पर्यटक नाइट स्टे कर सकेंगे। इसका फेयर अभी तय नहीं किया गया है। वह पूरी तरह वातानुकूलित होगा, सोलर पैनल की मदद से संचालित होगी। वहीं क्रूज में दो फ्लोर होंगे, 150 लोगों की क्षमता होगी। क्रूज में पर्यटकों को 2 घंटे में सरयू विहार कराया जाएगा। इसमें 15 मिनट का कल्चरल इवेंट होगा। इसके लिए 900 से 1200 रुपये चुकाने होंगे। पर्यटक को लंच और रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। क्रूज और हाउस बोट में ऑडियो वीडियो सिस्टम के जरिए रामनगरी की संस्कृति व इतिहास से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। भगवान राम पर आधारित एक लघु कथा भी दिखाई जाएगी। पुष्पक विमान यानी क्रूज की लंबाई 60 से 90 फीट और चौड़ाई 20 फीट होगी। इसका संचालन सुबह, दोपहर और शाम किया जाएगा। अयोध्या क्रूज लाइन्स के अलावा अलकनंदा रोड लाइन्स 20 LU में क्रूज चलाने की तैयारी में है। ये वही कंपनी है जो अभी वाराणसी में क्रूज चला रही है। अलकनंदा के क्रूज का निर्माण अयोध्या में शुरू हो चुका है। कंपनी के डायरेक्टर विकास मालवीय ने बताया कि सरयू में जो क्रूज चलाया जाएगा वह वाराणसी में चलने वाले क्रूज से अलग होगा। इस डबल डेकर क्रूज में और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गुप्तार घाट के कवर्ड शेड में लग्जरी क्रूज का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत 11 करोड़ है। लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 8.3 मीटर होगी। सरयू में प्रदूषण ना हो इसके लिए सौर ऊर्जा से इसका संचालन किया जाएगा। क्रूज में पहले तल में 100 पर्यटक को बैठने का इंतजाम होगा। ऊपर का तल पूरी तरह खाली होगा जहां श्रद्धालु खड़े होकर सरयू विहार का आनंद ले सकेंगे। क्रूज पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। क्रूज का निर्माण फाइबर मटेरियल से किया जाएगा। क्रूज में डिजिटल स्क्रीन लगाए जाएंगे। इसमें पर्यटक अयोध्या को और करीब से जान सकेंगे। रामायण पर आधारित वीडियोज भी चलाए जाएंगे। क्रूज पूरी तरह एयर कंडीशन होगा। इस पर मन चाहे व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे और उसको गुप्तार घाट से नए घाट के बीच चलाया जाएगा। इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है। लोगों के जनजीवन को नदियों से, नदी से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसमें सरयू के नदी के जो पूरा गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक का जो पूरा ये स्ट्रेच है जिसमें घाट बने हुए हैं और विभिन्न पौराणिक स्थल मंदिर आदि पड़ते हैं, इस दौरान इस पूरे रास्ते को क्रूज के माध्यम से कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में मंडलायुक्त महोदय द्वारा एक समिति भी बनाई गई है जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति है, जो बोट क्लब की स्थापना और डिफरेंट टाइप के जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनके प्रोत्साहन के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। इस विषय में कई सारे अनुबंध हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। एक जो विकास मालवीय हैं जो जिनके द्वारा अभी इस समय काशी में बोट का संचालन किया जा रहा है, उनको उनका भी कार्य यहाँ पे चल रहा है। उनके द्वारा फैब्रिकेशन किया जा रहा है एक बड़ी सोलर बोट बनाने का कार्य के लिए। अयोध्या क्रूज लाइन करके एक संस्था है जो उनके द्वारा भी यहाँ पे जो क्रूज चलाना है और जेटी बनानी है उस कार्य को परिणत की जा रही है, निर्माण कार्य चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो यूपी नेडा डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी सोलर बोट और सोलर हाउस बोट के लिए ऑलरेडी टेंडर करके और सिलेक्शन किया जा चुका है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से। तो हमें लगता है कि शीघ्र ही अयोध्या के पूरे इस स्ट्रेच में, सर गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक के स्ट्रेच में आपको 3-4 विश्व स्तरीय सोलर बोट्स और हाउस बोट्स के उपयोग, नहीं दुबई से कोई MOU नहीं हुआ, जो संस्था जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अयोध्या क्रूज लाइन के लोग, उनका उनके जो फाइनेंसर्स हैं वो दुबई के हैं, तो उनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट का जो पर्यटन विभाग द्वारा हस्ताक्षर किया गया था MOU, उसके अंतर्गत वो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं।
क्या नाम होगा जो? तो चूंकि 4-5 संस्थाओं द्वारा हाउस बोट चलाए जाएंगे तो सब लोग नाम अपना अपना और उसका प्लेसमेंट और उसकी मार्केटिंग वो अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से करेंगे, बट मुख्यतः इसमें जो जो क्रूज होगा इसमें जो धार्मिक ही इसका स्तर रहेगा और इसमें जो प्रभु श्री राम के जीवन गाथा से संबंधित जो विभिन्न वृतांत हैं उनके ऊपर ही लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो वीडियो चलाई जाएंगी और पूर्णतः शाकाहारी होगा और इस पर कोई अल्कोहल सर्व नहीं होगी। क्षमता कितनी होगी? अलग अलग क्षमता होती है जो कि अभी हम लोग मिड साइज क्रूज की ही बात कर रहे हैं तो अभी तैयारी हमारी लगभग 50-60 लोगों के लिए क्रूज चलाने का ही है। सर अयोध्या के साथ साथ क्या भगवान राम के भाई भरत के भरत कुंड के विकास की बात लगातार पिछले काफी वर्षों से चल रही है और हम लोगों ने उस पर प्रस्ताव बना करके भी पर्यटन विभाग को भेजा था किंतु अभी तक उसका सैंक्शनिंग की कार्यवाही नहीं हुई है, तो जैसे ही धनराशि का निस्तारण किया जाएगा वो हम लोग को उपलब्ध होगी हम लोग तत्काल उसका भी विकास करेंगे। सूत्रों से खबर आ रही है, हमारा प्रयास है, हम सभी संस्थाओं का प्रयास है, जिला प्रशासन का प्रयास है, विभिन्न विभागों का प्रयास है कि मंदिर के खुलने से पूर्व जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए जो भी कार्य किए जाने हैं वो सभी पूर्ण कर लिए जाएं और हम सब इसी के लिए सतत प्रयासरत भी हैं।